दशम स्कंध भगवान का सुंदर चेहरा है और उस सुंदर चेहरे पे जो मुस्कान है वो है रास पंचाध्याय। और सबसे ज्यादा कॉमेंट्री लिखी गई है अगर किसी चैप्टर के ऊपर वाइदिक आचार्यस, दैट इज ऑन रास पंचाध्याय, क्योंकि उनको पता है कलयुग के वांगड़ू भटूरे पपीते के छिलके अमरूद के कीड़े लोग इसको गलत ही समझेंगे, इसलिए इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी। भाइयों सुनो, एक एक श्लोक का अर्थ सुनो, एक एक शब्द का मतलब सुनो, तब तुम्हारे सीमेंट जैसी बुद्धि में शायद ये बात घुस जाए। और गुस्ती भी है, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बाहरी बाहर से समझना चाहते हैं फिर वो रासलीला को फिर गलत मानते हैं। रासलीला क्या है ये, व्हाट इज दिस, समाज में किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण, अगर क्या हम भी इस प्रकार से विचार करें, हम भी ऐसे लड़कियों के साथ घूमें, अनुचित है ये सही उदाहरण नहीं है समाज में। ये खुद बोल रहे हैं भगवद्गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देव धरो जनः, खुद बोल रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। किस प्रकार का आचरण एक एक किसी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को शुभा देता है, हरगिज नहीं शुभा देता है। सर आपको भी रासलीला के बारे में चर्चा करना शुभा नहीं देता है,